कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग जलेबी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 2 टीस्पून इसमें चावल का आटा डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून दही लिया है, ये भी डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, इसका अच्छा बैटर बनाना है। ना ज़्यादा गीला बनाना है, ना ज़्यादा टाइट बनाना है। हमें इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करना है, इस तरह से। इसमें एक भी गुठली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए बैटर। इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे। ये लिक्विड फूड कलर है, वो डाली मैं, केसर कलर है। ये बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी इसको 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं और जलेबी के लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने ये बर्तन लिया है और 1 कप चीनी डाल दूंगी इसमें और इसी कप से आधा कप पानी डालूंगी। इसको अच्छे से उबालना है और इसमें मैं थोड़ा सा केसर डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा केसर कलर है, लिक्विड कलर है, वो डाल दिया हमने और इसको अच्छे से उबाल ले रही हूँ। ये चाशनी बनकर रेडी हो गया। हमें बस इतना ही चिपचिपा चाहिए, 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये मैंने ऑयल और घी दोनों मिक्स करके रखा है, इसको मैंने हीट करने के लिए रख दिया। इसमें 1 टीस्पून इनो डाल देंगे। पूरा पैकेट नहीं डाला है, 1 टीस्पून के जितना डाला है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का बैटर होना चाहिए, आराम से गिरना चाहिए ये। चलिए, इसको मैं, मेरे पास में ये चॉकलेट सिरप का बॉटल है, वो ख़त्म हो गया था, तो इसी में मैं भर लेती हूँ इसको। अगर आपके पास में इस टाइप का ये नहीं है तो आप दूध की थैली से भी बना सकते हो, या फिर केक बनाते हैं उसका कोन होता है उससे भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह के इसमें भर लिया है और ऑयल भी हीट हो चुका है, तो चलिए हम जलेबी को फ्राई करते हैं। गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे। अच्छे से पहले ऑयल को हीट कर लेना है, उसके बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। एक साइड से थोड़ा सा पक गया है तो दूसरे साइड में टर्न कर देंगे। जब ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिक जाइए, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा फ्लेम तेज कर देना और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना, उसके बाद फिर निकालना। मैं इसी तरह से सभी को फ्राई करके निकाल लेती हूँ और चाशनी के अंदर में डाल करके भी निकाल लूँगी। जब मेरा पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस आप इसी प्रोसेस में बनाना, बहुत ही कुरकुरा बना है ये जलेबी। चलिए, मैं सभी बना करके उसके बाद दिखाती हूँ आपको। शुगर सिरप में डाल करके
मैं इसको निकाल ली हूँ, एक मिनट के लिए रखना है शुगर सिरप के अंदर में, इसमें अच्छे से शुगर सिरप एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं रखना है। दोनों साइड से अच्छे से उलट पलट करके चाशनी में डुबा दीजिए और एक मिनट के लिए इसमें रहने दीजिए। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी एकदम कुरकुरा बना है, बहुत ही अच्छा बना है, ये देख रहे हैं, देखिए आप भी ट्राई कीजिए इसको एक बार, जिस तरह से मैंने बताया सेम उसी तरह से फॉलो कीजिए आप अपने हिसाब से, जिस भी साइज़ का बनाना हो आप बना लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें।